आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला कि कंसीडर दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, और फर्स्ट देखिए क्या बोला कि लेट f(x) = x³ + x² + ax + 4 बी बाइजेक्टिव, देन फाइंड a। और आगे क्या बोला है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज बाइजेक्टिव, देन फाइंड द कंडीशन। ठीक है, अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन की बात की गई है, तो देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अब देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि इसका जो है इसका देखिए अगर हम देखिए रेंज देखें तो रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ देखिए हमें दिख रहा है कि फंक्शन R से R में डिफाइंड है, तो देखिए रेंज इक्वल्स टू को डोमेन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंस मैं बोलूँगा कि फंक्शन इज फ्रॉम R टू R, तो देखिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है दोनों 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 एफ ऑफ एक्स में। अब बस हमें दिखाना होगा कि देखिए ये वन वन फंक्शन है ये दोनों। ठीक है, अब देखिए वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या होता है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इट इज वन वन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। ठीक है, तो देखिए हमें अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा तो देखिए इसको हम वन वन बोल सकते हैं जब हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो होगा, ग्रेटर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फिर देखिए हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन के लिए देखें तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, देखिए ऑन टू तो है ही, बस वन वन प्रूव करना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर। तो देखिए अगर मैं एफ डैश एक्स लूँ तो देखिए ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है जिसका इतना पार्ट जो है ये क्या है, इतना पार्ट हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास वेरिएबल पार्ट है, यानी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बाकी देखिए ये ए तो कॉन्स्टेंट है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मैं क्या करूँगा इस वाले पार्ट को मैं पी ऑफ एक्स कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये चीज़ ग्रेटर प्लस ए ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करनी है, तो देखिए हम क्या करेंगे इतने, यानी मैं बोलूँगा वी विल फाइंड पी ऑफ एक्स का मिनिमम। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर उसको मिनिमम वैल्यू को ए मतलब ए ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, मतलब ए की वैल्यू उस हिसाब से देख लेंगे, इसके मिनिमम वैल्यू पे ऐड करने से देखिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब हमें ऐसा कंडीशन मिल जाएगा जहाँ पे ए मतलब ये हमेशा वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम देखिए पी ऑफ एक्स क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सो मिनिमम फाइंड करना है तो पी डैश एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सिक्स एक्स प्लस टू, और यहाँ देखिए अगर हम पी डबल डैश एक्स ले रहे तो सिक्स आ रहा है विच इज पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ से मुझे आ जाएगा ये देखिए ये पॉजिटिव आ गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए करेंगे तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, और देखिए p डबल डैश ऑफ माइनस वन बाई थ्री ये क्या है, पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमम मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री पे मिनिमा मिला, और मिनिमा क्या है, देखिए p ऑफ वन बाई माइनस वन बाई थ्री करें तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो देखिए एक थ्री से ये थ्री कैंसिल और ये क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री विच इज माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या आ गया, माइनस वन बाई थ्री प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई थ्री। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन क्या आ गई कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई थ्री, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला कंडीशन देखें, सेकेंड वाला देखें तो देखिए उसमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ भी बाइजेक्टिव ऑन टू की कंडीशन, वन वन की कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर रूट्स मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो देखिए वो कभी भी, या देखिए ए पॉजिटिव है, ठीक है ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे तो देखिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स रूट्स की कंडीशन क्या होती है, देयरफॉर डी लेस देन जीरो, यानी इधर से देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, टू बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू सी लेस देन जीरो। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, जस्ट इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो किया मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए और देखिए इस टाइप का ग्राफ आएगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी, तो ये चीज़ आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू सी लेस देन जीरो और लेस देन जीरो, तो देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस थ्री सी लेस देन जीरो, ये कंडीशन आएगी तब हमारा फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस थ्री सी लेस देन जीरो। तो देखिए इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।